Hi guys, welcome back to Sweet Chilies. मैं हूँ रुधीर, कैसे हैं आप लोग? तो गर्मियाँ कैसी कट रही हैं भाई? जब सर्दी ज़्यादा होती है तब इंसान को लगता है यार इससे अच्छी तो गर्मी है, थोड़ा सा मतलब कूलर के आगे बैठ जाओ या कुछ भी, अपना स्विमिंग पूल में चले जाओ, ठीक है, नहा लो, तब भी गर्मी कम लगेगी। और जब गर्मी आती है तब सोचते हैं कि यार सर्दियाँ ठीक हैं, है ना, रजाई में बैठे रहो, कुछ भी हो जाए। लेकिन ये हम लोग की आदत होती है, इंडियंस की आदत होती है कि हाँ भैया जो सिचुएशन एक्सट्रीम हो जाती है ना, हम उसमें सोचने लगते हैं अरे यार इससे अच्छा तो वही था, है ना। खैर, आज हम लोग देखने वाले हैं इंडियन आर्मी के सिग्मा रूल कंपाइलेशन। यस, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। आई होप आप लोग को ये कंपाइलेशन पसंद आएगा। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। कॉन्फ्रेंस हुई थी ढाका के हिल्टन होटल में। जनरल अमीर अकबर अब्दुल्ला खान नियाज़ी, हिलाले जुर्रत, सितारा पाकिस्तान और गवर्नर आदम मलिक बैठे थे। वो कॉन्फ्रेंस हो रही थी, रेडियो पे हमको इस कॉन्फ्रेंस के होने की खबर मिल गई। हमारे इंडियन एयरफोर्स के 4 मिग 21 फाइटर जेट्स गए और वो खिड़की के थ्रू उन्होंने 30-30 रॉकेट अंदर डाले। और साहब जब वो रॉकेट फटे, दौड़ गए जनरल अमीर अकबर अब्दुल्ला खान नियाज़ी और आदम मलिक टेबल के नीचे छुपे थे। मलिक साहब ने ऐसे हाथ बढ़ाया और चिट पे लिखा आई रिजाइन, साहब मेरे को नहीं लगा। ये हाल किया था पाकिस्तान। कितने शांति से वो बात कर, हम हर समस्या के वो फेस करने के लिए भी तैयार। पाकिस्तान को धमकियां देना तो चाय वाले मोदी की मजबूरी है, लेकिन टांगे जरूर खाती होंगी कि अगर पाकिस्तान ने जवाब दे दिया तो एक था मोदी या एक था हिंदुस्तान न हो जाए। भारतवर्षों में भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया है, अमरीकी सदर को घुटने टेकने पर मजबूर किया। बहुत जल्द मोदी तुम भी घुटने टेकने पर मजबूर हो जाओगे, बड़े मुल्क के छोटे आदमी। वैसे हमारा वजीर आजम हमें वर्ल्ड कप तो दिलवा चुका है, सोच लें आपने हमला किया तो कहीं भारत भी हमें ना दिलवा दे। पिताजी से कैसे बात करते हैं? चरण स्पर्श करा जाता है, पिताजी के पैर छुए जाते हैं, बेटा ऐसे बात नहीं करते। फिर इसके पालन पोषण में दिक्कत है, इसको संस्कार घर में ठीक नहीं मिले, अब्बू से ऐसे बात कर रहा है, गलत बात मत करो, सुनो। और तुम्हारा एक तुम्हारा आर्मी चीफ भगोड़ा है परवेज मुशर्रफ, ठीक है, वो भाग गया, उसने बेनजीर भुट्टो का कत्ल करा था, वो बाहर भागा हुआ है। अशफाक परवेज कियानी एक और आर्मी चीफ है, वो भागा हुआ है ऑस्ट्रेलिया में। तुम्हारा रहीम शरीफ एक सरकार तो तमीज की टिकी नहीं यार, यहाँ बात करते हो तुम, जब तुम दूसरे की इंसल्ट करोगे तो तुम्हें बदले में कोई तारीफ नहीं मिलेगी, समझे? मेरे सामने आ गए, एनकाउंटर हो जाएगा एनकाउंटर। आर्मी काम करने आती है उनको भी सफा से निकाल दो बाहर अपनी बस्ती से, क्योंकि कश्मीर हमारी है, सरजमीन हमारी है, पर सिर्फ हमारा हक है। अच्छा जो अकल के अंदर ये समझ रहे हैं कि 4-6 दिन तक टैंक तोपें चलेंगी या हवाई जहाज एयर अटैक होंगे या नेवी के गोले चलेंगे, नो वे, दिस विल बी एटॉमिक वॉर। तो हमारे पास क्या है भाई, दिवाली के लिए रखा है क्या? गलत फहमी के पहाड़ कोई भी बहाना बना ले, ठीक है, रियलिटी का एक हथौड़ा ही काफी होता है, ठीक है, पहाड़ को ढाने के लिए। वाह, पाकिस्तान को पता था मोदी खाली तो बैठेगा नहीं और पाकिस्तान ने पूरी तैयारी की थी। मोदी ने सर्जिकल स्ट्राइक किया था, उन्होंने सब वहां पर खड़ा कर दिया, सारे टैंक लगा दिए, राडार लगा दिए, सब लगा। अब हम बजरंगबली की जय करके ऊपर इसे कहते हैं सैवेज पीएम।
ओके सो यार मतलब एक तो पाकिस्तानी मीडिया भाई पता नहीं किस गलत फहमी में है, किस गलत फहमी में इन्होंने और ज़्यादा पाकिस्तानी जनता जो है ना उन्हें भटका रखा है, उन्हें बहुत ज़्यादा भटका रखा है। एक पाकिस्तानी मीडिया, दूसरी आर्मी पाकिस्तान की, ठीक है, तो इन्होंने ज़्यादा ही भड़का रखा है कि भाई हमारे पास तो ये है, हमारे पास तो वो है ना, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, चाय वाला मोदी ये वो, मतलब भाई देखो इंडिया की आदत रही है ना, हम बकबक कम करते हैं, है ना, सवाल जवाब हम थोड़ा कम करते हैं, है ना, लेकिन जो जब जवाब एक्शन से देने का टाइम आता है तब बहुत अच्छे तरीके से देते हैं। यार अपने अपने देश से प्यार होना कोई गलत बात नहीं है, ठीक है, लेकिन अपने देश प्रेम में तुम दूसरे को जानबूझकर इंसल्ट कर रहे हो, हर चीज़ रियलिटी जानते हुए भी इंसल्ट कर रहे हो, ये चीज़ तो गलत है, ठीक है, ये चीज़ तो कम्प्लीटली गलत है। और बार बार ये सब ये अपनी ही गलत फहमी में जीते रहना कि हम ऐसा कर सकते हैं, हम वैसा कर सकते हैं, कि कोई एक परमाणु वाला युद्ध होने वाला है, तो वही मोदी साहब ने भी रिप्लाई किया कि हाँ हमारे पास क्या भैया पटाखे थोड़ी ना रखे हैं दिवाली के है ना, बट इन लोगों को इतना नहीं पता है, ये जो बोल रहे हैं कि हाँ एटॉमिक वॉर करेंगे, इनको इतना नहीं पता है कि उसका असर कहाँ तक होगा। तुम्हें क्या लगता है हैं कि तुम एटॉमिक अटैक करोगे उसका असर पाकिस्तान पे नहीं होगा? रियली मतलब तुम्हें यह लगता है? जाओ जाके जापान से पूछो, ठीक है, वो आज तक नतीजा भुगत रहे हैं, आज तक नतीजा भुगत रहे हैं, ठीक है, उस एक एटॉमिक अटैक का। तो तुम्हें क्या लगता है उस आसपास के एरिया में तुम नहीं आते हो? हद हो गई यार, वही तो ये बेअकलों वाली बात करेंगे, ऊपर से बोलेंगे कि हाँ हमारे देश का इंसल्ट क्यों होता है, हमारा देश तो सुपर पावर है, ये है वो है। पहले थोड़ा सा रिसर्च करके आओ, ठीक है, उसके बाद अपनी जितनी भी आप बढ़ाई करें, तारीफ करें, वो सब जायज़ होगी, ठीक है, बट प्लीज़ थोड़ा सा रिसर्च करके आओ, तब समझ में आएगा कि भाई रियलिटी क्या है और तुम कहाँ हो। ठीक, तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। Bye-bye.